तो यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तांजिरो को देखते हैं जो कि ग्यू के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन तभी तांजिरो के नीचे का दरवाजा खुल जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन यहाँ तांजिरो तभी अपने आप को संभालता है और वापस से खड़ा हो जाता है। तभी ग्यू उससे कहता है कि संभल कर चलो, यहाँ काफी ज्यादा खतरा है। तो यहाँ तांजिरो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद हमें यहाँ एक आसुप का एक रो दिखता है जिसके गले में हम वैसा ही सिंबल देखते हैं जैसा हमने स्टोन अशिरा के शरीर में देखा था। और जब वो आसुप का एक रो तांजिरो और ग्यू के पास पहुंचता है तो उनसे कहता है शिनोबू अपर मून 2 से लड़ते हुए मारी जा चुकी है। और ये सुनते ही भाई और तांजिरो को शिनोबू का हंसता हुआ चेहरा याद आता है और यही सोचकर भाई तांजिरो के आंसू निकल जाते हैं। और यहाँ ग्यू अपने मन में सोचता है कि ये कासुकाई क्रो के गले में जो चीज है क्या इससे ये मैसेजेस को जल्दी पहुंचा पा रहा है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, जिसके बाद हमें वैसा ही सिंबल किसी के सिर में लगा हुआ दिखता है जो कि कहता है कि शिनोबू की मौत हो चुकी है। और अगले पल हम देखते हैं कि ये युबुआशी की तरह दिखने वाला एक बच्चा है और उसके पीछे भाई युबुआशी के वही दो बच्चे दिख रहे होते हैं। और यहाँ वो लड़का कहता है अपर मून से लड़ते हुए सिर्फ एक की ही मौत हो चुकी है, बाकी सारे हाशिराज ठीक है। तो यहाँ पे उसके राइट वाली लड़की कहती है कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे फिर वो लड़का पूछता है क्या वो आईबॉल वाले सिंबल सारे हाशिराज को दे दिए गए हैं जो हमें युशिरो कुन ने दिए थे। तो यहाँ पे वो लेफ्ट वाली लड़की कहती है कि नहीं, अब तक नहीं। तो यहाँ पे हमें फाइनली पता चलता है कि ये जो लड़का हमें दिख रहा है ये असल में युबुआशी का सबसे पहला बेटा किराया है जो कि 8 साल की ही उम्र में युबुआशी की फैमिली का हेड बन चुका रहता है। और जब उसके पीछे दो लड़कियों को देखते हैं वो असल में वो दो लड़की नहीं थे जो मारे जा चुके हैं, बल्कि ये दो लड़कियां युबुआशी की तीसरी और चौथी बेटी है जिसमें से एक का नाम कुआना और एक का नाम कनाटा रहता है। और जो युबुआशी की दो लड़की मारी जा चुकी है उन दोनों का नाम हिनाकी और निचिका था। जिसके बाद यहाँ पे किराया कहता है कि अब तक हमने हाशिराज को सिर्फ एक ही जानकारी दी है, हमें बाकी और जानकारी भी देनी होगी। जिसके बाद यहाँ पे किराया देखता है कि मुजान अपनी जगह से अब तक नहीं हिला है, वो एक ही जगह पर है। तो यहाँ पे किराया अपनी बहन से कहता है कि सारे कासुकाई क्रो को हाशिराज के पास भेज दो और उन्हें कहो कि नॉर्थ पोल की तरफ जाने। जिसके बाद यहाँ पे किराया अपनी बहन को कहता है यानी कि अभी सिर्फ कनाओ ही अपर मून से लड़ रही है। तो तभी उसकी बहन कहती है कि नहीं, यहाँ जेनेसु भी अपर मून 6 से लड़ रहा है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हमें जेनेसु की तरफ दिखाया जाता है जहाँ जेनेसु अपर मून 6 यानी कि कायगाकू के सामने खड़ा था। जिसके बाद यहाँ पे कायगाकू जेनेसु से पूछता है जेनेसु क्या तुम एक हाशिरा बन चुके हो और क्या तुमने थंडर ब्रीदिंग के बाकी टेक्निक्स को भी सीख लिया है या फिर तुम पहले की तरह ही नॉस किए हो। तो यहाँ पर जेनेसु से कहता है तुम्हें तो अपर मून बन के काफी ज्यादा खुशी हो रही होगी। तो यहाँ पर कायगाकू हंसते हुए से कहता है अच्छा तो तुम बोल भी सकते हो। इसके बाद यहाँ जेनेसु से पूछता है कि तुम डीमन क्यों बन गए। तो यहाँ भाई कायगाकू काफी जोर से हंसने लग जाता है। तभी जेनेसु चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अगर तुम डीमन नहीं बनते तो ग्रैम्स अपनी जान नहीं लेते। तो यहाँ भाई जेनेसु के जो ट्रेनर थे जिसने भाई जेनेसु को थंडर ब्रीदिंग सिखाया था उसने अपने पेट पर हमला करके भाई अपनी जान ले ली। यहाँ जेनेसु रोते हुए कायगाकू से कहता है कि अगर तुम डीमन नहीं बनते तो ग्रैम्स आज यहाँ जिंदा होते क्योंकि उनके इकलौते थंडर ब्रीदिंग के सक्सेसर तुम बनने वाले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। तुमने डीमन से हाथ मिलाकर उनके नाम को ही मिटा दिया। लेकिन भाई यहाँ कायगाकू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो हंसते हुए जेनेसु से कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि मुझे तो एक डीमन बनके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे ये सुनकर तो काफी खुशी हुई कि उस बुड्ढे की ऐसी दर्दनाक मौत हुई। मैं चाहे जितने भी मेहनत कर लूं लेकिन वो मुझे थंडर ब्रीदिंग का सक्सेसर नहीं बनाता था। वो हमेशा से चाहता था कि मैं तुम जैसे बेकार के साथ अपने सक्सेसरशिप को शेयर करूं और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले एक हाशिरा था और साथ ही एक बेवकूफ भी था। और ये कहकर वो हंसने लग जाता है। और तब जेनेसु गुस्से में उससे कहता है ग्रैम्स बेवकूफ नहीं थे, अगर मैं कचरा हूँ तो तुम भी कचरे की दुकान हो, अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट ब्रीदिंग आती है तो तुम्हें भी सिर्फ बाकी सभी आती है सिवाय फर्स्ट ब्रीदिंग के। और ग्रैम्स की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्हें अब तक कोई भी प्रॉपर सक्सेसर नहीं मिला जो कि सारे ब्रीदिंग को जानता हो। ये सुनते ही भाई कायगाकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद भाई यहाँ पे कायगाकू अपने थंडर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म अपने डिस्टिंक्ट थंडर को यूज करता है, लेकिन तभी जेनेसु भी अपने फर्स्ट फॉर्म को यूज करने के पोजीशन में आ जाता है और पलक झपकते ही कायगाकू के पीछे आ जाता है और कायगाकू से कहता है काफी स्लो। जिसके बाद भाई यहाँ कायगाकू के गले पर स्क्रैच आ चुकी होती है और यहाँ कायगाकू कहता है वो काफी तेज था, जेनेसु पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम कुकुशिबो को देखते हैं जिसके आगे यहाँ पे कायगाकू अपने सिर को झुकाकर उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। और यहाँ कायगाकू अपने मन में सोचता है कि अगर हमारे सामने हमसे ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट आ जाए तो उसके सामने झुकना कोई शर्म की बात नहीं होती है। जिसके बाद यहाँ कुकुशिबो उसे मुजान में कुछ ब्लड देते हुए कहता है ये लो डीमन
डीमन ब्लड, इससे तुम एक पावरफुल डीमन बन जाओगे और अगर उस आदमी ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम भी हमारी एली में आ जाओगे, यानी कि यार अपर मून। साथ ही कुकुशिपो से कहता है, तुम वैसे बच्चे तो नहीं हो जो कि डीमन ब्लड पीने के बाद भी डीमन नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। साथ ही कुकुशिपो से वार्न करता है कि अगर उसने डीमन ब्लड का एक भी बूंद जमीन में गिराया तो अगले ही पल उसके सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ कायगाकु सोचता है कि उस वक्त वो कितना डरा हुआ था और उसके मुकाबले आज वो अगर अपने आप को कंपेयर करे तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो ज़ेनित्सु को चुटकियों में हरा सकता है। क्योंकि यहाँ कायगाकु को लगता है कि ज़ेनित्सु एक बेकार सा इंसान है जो कि सिर्फ फर्स्ट ब्रीडिंग को ही कर सकता है, और वो बूढ़ा भी पागल था जो चाहता था कि मैं अपने सक्सेसरशिप को इस ज़ेनित्सु के साथ शेयर करूं। जिसके बाद यहाँ कायगाकु ज़ेनित्सु को चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोगों की मौत एक न एक दिन हो रही है और ज़ेनित्सु तुम्हारी मौत आज है। इसके बाद भैया कायगाकु अपने थंडर ब्रीदिंग के सेकेंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल को यूज करता है, जिससे कि वो एक ही मूवमेंट में ज़ेनित्सु के ऊपर 5 दिशाओं से हमला करता है। और ये देखकर ज़ेनित्सु से कहता है कि तुमने पक्का कई लोगों को मारा है, और साथ ही उससे कहता है कि तुम्हें क्या सही और गलत का फर्क नहीं दिख रहा है। तो यहाँ कायगाकु उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जिसके बाद वो अपने थंडर ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटोस थंडर को यूज करता है और कहता है, जो मुझे जज कर लेते हैं और मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं वो मेरे लिए सही है, और जो मुझे जज करने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते वो मेरे लिए गलत है। जिसके बाद भाई यहाँ पे कायगाकु अपने थंडर ब्रीदिंग के फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग को यूज करता है, जिससे कि यहाँ भाई ज़ेनित्सु के चेहरे पे एक कट आ जाता है, लेकिन यहाँ ज़ेनित्सु अपने पिछले यादों को ही सोच रहा होता है। तभी यहाँ कायगाकु उससे कहता है, तू ज़ेनित्सु मेरे ब्लड डिमन टेक्निक का टेस्ट कैसा है। जिसके बाद भाई यहाँ फाइनली कायगाकु अपने थंडर ब्रीदिंग के लास्ट फॉर्म थंडर लाइटनिंग शावर का यूज कर देता है, और यहाँ भाई ज़ेनित्सु को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, जिसके बाद भाई यहाँ ज़ेनित्सु के नीचे का सरफेस टूट जाता है और वो इन्फिनिटी पोर्टल्स के अंदर घुसने लग जाता है। और यहाँ गिरते हुए भाई कायगाकु उससे कहता है कि तुम सारे बेकार हो, मैं सबसे स्पेशल हूँ। लेकिन यहाँ भाई ज़ेनित्सु अपने पिछले यादों को ही सोच रहा होता है, वो सोचता है कि कैसे एंक्यू से हमेशा कायगाकु से सीखने के लिए कहते थे। साथ ही यहाँ ज़ेनित्सु को ये भी याद आता है कि कैसे सारे लोग कायगाकु का मजाक उड़ाते थे कि उसे फर्स्ट ब्रीदिंग छोड़कर बाकी सारी ब्रीदिंग्स आती है, और यही सोचकर भाई वो हंसने लग जाते हैं। और यहाँ कायगाकु उनसे कहता है, अपने से ज्यादा ताकतवर से पंगा मत लो, तुम सभी काफी मुसीबत में आ सकते हो। इसके बाद भाई कायगाकु वहाँ से आगे निकल जाता है और ज़ेनित्सु उसे पीछे से देख रहा होता है। ज़ेनित्सु अपने मन में यही सोचता है कि कायगाकु उससे कितना नफरत करता है, और यहाँ ज़ेनित्सु भी उससे नफरत करता है, लेकिन ज़ेनित्सु उसे पीठ पीछे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ भाई कायगाकु काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। साथ ही यहाँ ज़ेनित्सु को लगता था कि कायगाकु के हार्ट के अंदर जो हैप्पीनेस का बॉक्स वो थोड़ा लीकेज है, जिस वजह से भाई वो खुश नहीं रह पाता है। जिसके बाद यहाँ ज़ेनित्सु इन्फिनिटी पोर्टल्स के नीचे गिरते गिरते भाई अचानक से वो दीवार से चिपक जाता है, और भाई आखिरी बार अपने एंकी यानी कि ग्रैम्स को सॉरी कहता है, और अगले ही पल ज़ेनित्सु कायगाकु के सिर को काट देता है विद देयर थंडर ब्रीदिंग सेवेंथ फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड। और यहाँ ज़ेनित्सु भाई इतना तेज होता है कि कायगाकु उसे पल के लिए भी देख नहीं पाया था। जिसके बाद भाई यहाँ पे कायगाकु इन्फिनिटी फोर्टल्स के नीचे गिरने लग जाता है, और उसके पीछे पीछे ज़ेनित्सु भी गिर रहा होता है। और यहाँ कायगाकु अपने मन में सोचता है कि ये कैसे हुआ, वो इतनी तेज कैसे था, और चिल्लाते हुए कहता है, उसने पक्का तुम्हें कुछ अलग सिखाया है जो कि मुझे नहीं सिखाया। तो यहाँ भाई ज़ेनित्सु से कहता है कि नहीं एंकी ऐसे नहीं थे, ये टेक्निक मेरी है, मैंने इसे बनाया, और मैं चाहता था कि अगर मैं कभी तुम्हारी तरफ से लड़ू तो तुम इस टेक्निक को यूज करते। यहाँ गाइस दोनों ही नीचे गिर रहे होते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ हो जाती है एपिसोड की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही यहाँ भाई 9 अप्रैल को डीमन स्लेयर का सीजन 3 भी आने वाला है एनिमे में, तो देखते हैं अगर वो भी एक्सप्लेन कर पाए तो होपफुली गाइस देखते हैं दोनों को मैनेज करते हुए दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।